morning. वो इस मौसम की वजह से कहीं कुछ नहीं था तो मैं उसकी बजाय ये ले आई तुम्हारे लिए। जरूरी नहीं था। चलो अब अगला काम है इन सबको तरतीब देना। वो फूल मैं खुद ले आऊंगा। अगर तुम रोजाना फूल लाओगे तो इन सब फूलों को गार्डन के चारों तरफ लगा देना, वरना ये सब फूल खराब हो जाएंगे। कोई मसला नहीं। चलो मैं देर नहीं करना चाहता। फूलों के लिए शुक्रिया। चिनार, क्या मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी हेल्प करूं? नहीं, मैं खुद करूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं शाम को आती हूँ, फिर मिलते हैं। तुम अभी तक गई नहीं? नहीं। क्यों? मैं रुक नहीं सकती क्या? गाना सुनो, अच्छा है ना? मेरा फेवरेट है ये। सुनो, अब तुम आ गए हो तो हम ऐसा करते हैं, कुछ नया करते हैं। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं। देखो ये मूवी रखी हुई है, तुम चाहो तो हम दोनों थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं। चिनार, मैंने अपना मूड बदल लिया है, एक आइडिया है मेरे पास। क्यों ना हम बोटिंग के लिए चले। हाँ, याद है ना कैसे समंदर की हवाओं को चीरते हुए समंदर की खुशबू सूंघते थे? हाँ, तुम्हें याद नहीं आता वो सब? प्लीज चिनार, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? देखो ना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज मेरी बात मानो ना चिनार, प्लीज कुछ तो जवाब दो। शाम को मिलते हैं यास्मीन। देख कर जरा। ये कौन है? चिनार, तुम यही हो ना अब तक? देखो मैं किसे लाई हूँ। इसको देखो चिनार, इसकी तरफ देखो। देखो कितनी प्यारी है ये, देखो इसे। अम्मी, आपको नहीं पता मैं रोज इस वक्त चला जाता हूँ। इसीलिए तो आई हूँ। मत जाना आज, देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। बेटी, कोई आदमी इतना गम बर्दाश्त कर सकता है? खुद को इतनी सजा दे सकता है? 6 महीने हो गए हैं और ये बच्ची जिंदा है। ये तुम्हारा खून है, तुम्हारी जान है। तुम इसके साथ भी ज्यादती कर रहे हो। तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारी इसे कितनी जरूरत है? तुमने एक बार इसकी खुशबू तक नहीं सूंघी है। अम्मी, बस बहुत हो गया, इतना काफी है। चुप रहो तुम, इस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस घर में तो जिसे देखो हद से बड़ा हुआ है माशाल्लाह। मेरे बेटे, तुम्हें जो करना है करो, घर में रहो। सोचो तो मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। मेरे बच्चे, अपने आप पर रहम करो। कोई इस तरह से खुद को सजा देता है? एक ही तरह की जिंदगी गुजार कर अपने आप को देखा है? तुम कहीं से इंसान नहीं लगते हो अब। अपने बाल और दाढ़ी देखो, कितने बड़े हो गए हैं दोनों। तुम रात भर इधर उधर फिरते रहते हो, दिन में सोते हो। मुझे बहुत तकलीफ होती है तुम्हें इस हालत में देखकर। तुम्हें एहसास है कुछ? खुद को सजा देना खत्म करो। क्यों लड़ रहे हो जिंदगी से? आखिर क्यों लड़ रहे हो बताओ? ये सब तकदीर का लिखा हुआ है। अपने आप को क्यों मार रहे हो? तुमने खुद को खत्म कर लिया है। बस बहुत हो गया बेटा, अब बस करो। अब अपने आप को संभालो बेटा, संभालो अपने आप को। मम्मी, प्लीज चली जाएं आप। मत करो ऐसे बेटा, ये गुनाह है। सबको वहीं रहने दो जहाँ है वो। क्या बात है, आपको क्या लगता है कि चिनार आपकी बातों का असर लेगा और वापस घर आ जाएगा क्या?
क्या हो गया है आपको? इस तरह की बात करके मैंने भी बहुत कोशिश कर ली, कोई तब्दीली आई क्या? कुछ नहीं हुआ ना, होगा भी नहीं। मेरी बात समझें, आपको ये तरीका बदलना होगा, वरना मुश्किल ही है कि आपका बेटा कभी वापस आए। उसने अपना ही घर तबाह कर लिया है। अल्लाह मेरी मदद करना, मुझे सब्र देना। नजीब, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। क्या आपको मालूम है कि उसके साथ क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम, ये तो वहीं पता चलेगा। या अल्लाह खैर। क्या हुआ मॉम? चिनार जख्मी है, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या? जल्दी चलो। मॉनिटरिंग के लिए रखेंगे। बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ? चिनार, कोई नहीं, मैं ठीक हूं। अपना हाल तो देखो, कैसे हुआ ये? मैं जरा वॉशरूम से होके आया। चिनार, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ आऊं? ये कैसे हुआ डॉक्टर, क्या उसने कुछ बताया? उन्होंने किसी पर इल्जाम आज नहीं किया है, लेकिन साफ लगता है कि ये वाकया एक हादसा नहीं था। उन्हें आज रात हमारे हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत है। मैं समझ सकता हूँ। मुझे इजाजत दें, मुझे जरा जाना होगा, चलता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। या अल्लाह, क्या अपने आप को मारने की कोशिश की है इसने? चिनार, अब आपकी तबीयत कैसी है सर? मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। जिन्होंने आपके साथ किया उनके हाथ टूट जाए। मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है? कब्रिस्तान में ही खड़ी हुई है क्या? मैं क्या उसे इसे छोड़ सकता हूँ? आपको पिकअप में डालने के बाद आपकी बाइक को भी मैंने पिकअप में डाल दिया था और फिर मैंने पार्किंग में जाके उतार दी। बहुत अच्छा किया, शुक्रिया। मैंने आपका काम भी बढ़ा दिया, माफ कीजिएगा। ये भी कोई बात हुई सर? रुके जरा, मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ। छोड़े अल्लाह के वास्ते, जो आपने मेरे लिए अच्छाइयाँ की हैं वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, चलता हूँ। सॉरी।
चिनार तुम मुझे ये बताओ ये किस किस्म की मोटरसाइकिल राइड थी? हाँ बाइक राइड नहीं, ये सुसाइड राइड थी। और तुम मुझे कहते हो कि मैं तेज चलाती हूँ? चिनार बताओ मुझे। चिनार प्लीज देखो, तुम्हें डॉक्टर ने हॉस्पिटल में रुकने का कहा है, तुम यहाँ क्यों आ गए हो और इस तरह बेवकूफों की तरह? चिनार तुम हार्ड ड्रिंक नहीं पी सकते कम से कम, प्लीज। मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पियो और पियो, नहीं अड़ाती तुम्हारे काम में टांग। इसी तरह पागलों की तरह पीते रहो और उसके बाद जाके अपने आप को क्या हा? अपने आप को क्या बोलो यास्मीन, अपने आप को मार डालो। मेरा यकीन करो यास्मीन, मैं ऐसी कोशिश में लगा हुआ हूं लेकिन मैंने जो किया मैं नाकाम होता हूं। बार बार एक ही दर्द सहने के लिए मैं इस जिंदगी में वापस धकेला जा रहा हूं। मत करो चिनार, क्या तुमने वैसे ही बहुत दर्द नहीं सहे हैं? देखो अगर तुम अभी तक जिंदा हो तो उसका कोई मकसद होगा ना। हाँ बिल्कुल है, एक मकसद है, हर दिन उसी दर्द उसी पछतावे के साथ जागना, हर दिन पशेमान होना कि काश मैं उसके पास वापस चला जाता। यही मतलब है क्या? तुम जानबूझकर अपने आप को अजियत पहुंचा रहे हो चिनार। तुम अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि अगर तुम उस रात बारात में वापस भी आ जाते तो यही होना था, शायद एक महीने बाद, शायद तीन महीने बाद, लेकिन जो होने वाली चीज थी वो हो गई चिनार। तो मैं क्या करूं? हाँ बोलो आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या यही मेरी मंजिल थी, जो हो गया सो हो गया ये सोच के जीता रहूं? मैं चाहती हूँ तुम ठीक हो जाओ, मैं बस तुमसे इतना ही चाहती हूँ चिनार। जो हुआ इसको तुमने जितनी आसानी से कबूल किया, मेरे हाल को भी ऐसे ही कबूल कर लो, समझ लो यही मेरी मंजिल थी। चिनार कहाँ गायब हो गए हो तुम? इस जगह से बदबू आ रही है, क्या यहाँ पे पेट्रोल टैंक्स रखे हुए हैं तुमने? वो मैं बाइक साफ कर रहा था, आओ अब चलते हैं। हाँ मैं भी यही कह रही थी, हमें कहीं बाहर चल के खाना खाना चाहिए क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर हम शॉपिंग के लिए चले जाते हैं ना? हाँ कुछ खाने की चीजें भी ले लेंगे और तुम्हें भी खाना बना के दे दूंगी। ठीक है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए हार्ड ड्रिंक्स ले आऊं? नहीं शाम तक के लिए काफी है। मतलब तुम स्टॉक करना नहीं चाहते? नहीं नहीं चाहता। तो क्या मैं इस बारे में उम्मीद कर सकती हूँ? कैसी उम्मीद? मतलब उम्मीद कि कल तुम हार्ड ड्रिंक नहीं पियोगे? हाँ ऐसा ही है, आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। वाह सुपर, तो फिर ठीक है मैं अभी बाजार चली जाती हूँ और हमारे लिए ड्रिंक्स और खाना लेकर आती हूँ ताकि आज रात हम आखिरी दफा साथ पिए। Thank you.
चिनार, अंदर मत आना। नहीं नहीं, मैं नहीं जानती कुछ भी। मैं कहने आई थी खाना तैयार हो चुका है, तुम प्लीज अब नीचे आ जाओ। चिनार, खाना जल्दी तैयार होने वाला है। उफ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तुम्हें भी भूख लगी होगी ना? चिनार, मैं तुमसे बात कर रही हूं। चिनार, जाओ। यास्मीन, मुझे समझ नहीं आया। जाओ। सच में कह रहे हो तुम चिनार? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगी। यास्मीन, मैंने कहा जाओ। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अकेला ना छोड़ें। यास्मीन, मैंने बोला ना, निकलो यहाँ से। ओके ठीक है,